वेलकम टू म्यूजिक पाठशाला। आज मैं आपको एक बहुत ही पुराने गाने का एक ट्यूटोरियल पार्ट बताने वाला हूँ और जिसके बोल हैं संदेशे आते हैं, ऐसे करके गाना है। सोनू निगम और बहुत सारे अलग दूसरे जो सिंगर से उन्होंने मिलकर इसको गाया और बहुत ही अच्छी मूवी थी बॉर्डर, उसका एक गाना है। तो इसमें अभी जो मैं बताने वाला हूँ आपको, तो इसकी शुरुआत बताऊँगा। बहुत ही टफ गाना है और इसके अलग अलग अंतरा हैं, तीन चार अंतरा बिल्कुल अलग तरीके से बजते हैं। तो कहीं पे इसमें एक छोटा सा एक कोमल नी भी लगेगा, तो अगर आपके पास चेंजर वाला हारमोनिका नहीं है तो ये गाना आपके लिए बजाना आसान नहीं होगा। तो वैसे इस पर आप किसी भी गाने, किसी भी हारमोनिका पे आप इसको बजा पाएंगे, 12 10 हो या 16 होल या 24 होल। ये मेरे पास 10 होल का हारमोनिका है अभी। संदेशे आते हैं, इसको हम कहाँ से शुरू करेंगे, अभी सा से शुरू कर रहे हैं, अभी जो मिडल ऑक्टेव का हमारा नॉर्मल सा होता है। सा सा धा पा पा धा। अब देखिए ये चार बार सेम ही चीज बजती है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, कि चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है, ऐसे करके चार बार बजेगा। कि घर कब आओगे, कहो कब आओगे, लिखो कब आओगे। तो यहाँ पे जो कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, ये भी सेम ही है और बाद वाला पोर्शन थोड़ा सा अलग है। तो एक हमारा पार्ट हो गया संदेशे आते हैं, जो कि चार बार बजेगा, मतलब ट्यून चार बार बजेगी, वर्ड्स अलग है। तो सा 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 धा पा पा धा, के घर कब आओगे, पगा सारे रे गे, देखिए पगा सारे रे ग सारे, जैसे मैं बोल रहा हूँ नोट्स को उतनी ही देर तक आपको ये बजाने हैं, तो बिल्कुल सेम ट्यून आपको मिलेगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको जल्दी मिलेगा। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारी काम की चीजें ऐसी होती हैं जो मैं बीच बीच में टिप्स देता रहता हूं। पगा सारे रे गा सारे, ये आपको दो बार बजाना, पगा सारे रे गा सारे, एंड में लिखो कब आओगे। यहां पे थोड़ा सा चेंज आप कर सकते हैं, पगा सारे रे गा पगा रे, देखो के तुम बिन ये घर पा 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 धा धा पा। तो पा धा धा पा आप दो बार बजाएंगे, के तुम बिन ये घर सुना, यहां तक हो जाएगा, पा 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 धा धा पा पा धा धा पा सुना है। अब जो ये लाइन है सा सा निसा निसा धा, निसा निसा जो मैं बोल रहा हूं यहाँ पे, जो नी है ये कोमल नहीं है, यानी कि आपको धा बजाना है चेंजर प्रेस करके, तो कोमल नहीं आएगा। कोमल स्वर कैसे बजते हैं, इसके लिए आप मेरी दूसरी वीडियोस देख सकते हैं। मैंने तीन वीडियोस पे बनाए हाउ टू यूज स्लाइडर, कोमल स्वर कैसे यूज करें, ऐसे करके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएंगे, आप उसको देखेंगे तो समझ आ जाएगा पूरा चार्ट। तो देखिए पापा पा, हम बजा रहे थे कि तुम बिन ये घर सुना सुना है सुना। तो मैं ये पोर्शन बजा रहा हूं सा सा नि सा नि सा धा, नी कोमल, देखिए सा सा नि सा नि सा धा, दो बार आपको चेंजर प्रेस करके बजाना, स्लो मैंने बजा के दिखाया, अब उसको पूरी लाइन को अगर बजाते हैं, फिर से लाइन शुरू हो जाती है। तो इस तरह से हमारा मुखड़ा बज गया और ये गाने में बहुत बार रिपीट होंगी, ये सेम लाइन है, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से इसकी
प्रैक्टिस करनी है। अब इसका पहला स्टैंजा आता, थोड़ा सा अलग है, दूसरा अलग है, तीसरा अलग है, ऐसे ऐसे करके बजेंगे। और अभी जो स्टैंजा बजेगा उसमें हमें कोमल सोच की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी दिलवाली ने किसी मतवाली ने, ऐसे करके है तो मसा मसा। अब देखिए जब मैं बोल रहा हूँ मसा मीन्स माँ को बहुत कम देर के लिए बजाना और साब में बजाना आपको, तो मसा सारे माँ पा धा पा, सारे माँ, सारे माँ मैंने अगर बोले तो सारे छोटा सा है सारे का जो लेंथ है टाइम के हिसाब से, और माँ थोड़ा सा बड़ा है उनके मुकाबले, तो उसी तरीके से आपको बजाना तभी निकलेगा। अगर हम अपनी मर्जी से कुछ भी बजा देंगे तो नहीं निकलेगा, भले आप सेम नोट बजा रहे हो। तो देखिए मसा सारे माँ पा धा पा, और फिर सेम से रिपीट करेंगे, किसी मतवाली ने मसा सारे माँ पा धा पा, हमें खत लिखा है, सेम फिर से रिपीट, मसा सारे माँ पा धा पा के हमसे पूछा है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे, पा 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 म पा म धा पा मा, पा 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 म पा म धा पा म, किसी के सांसों ने किसी के धड़कन ने। अब ये आपको ऐसा लगता है कि संदेश आते हैं, बट उस तरह का नहीं है, इसका स्केल थोड़ा सा अलग है, इसकी लाइन हमें लगती है ऐसी बट ऐसी नहीं है। तो नि 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 प ध नि धा धा, अभी क्या मैं केवल नी और धा बजा रहा हूं, बट नी 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 प ध देख, नी 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 प ध नी धा धा, ये आपको तीन बार रिपीट करना। तो लाइन क्या निकलेंगे, किसी के सांसों ने किसी के धड़कन ने किसी की चूड़ी ने, ऐसे तीन बार है पोर्शन और सेम नोट्स बजते हैं, नी 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 प ध नी धा धा, तीन बार, किसी के कंगन ने, जो फोर्थ पोर्शन है इस लाइन का वो इस तरह से, तो धा धा सा धा पा मा मा। तो इसको अगर हम कंटिन्यूअस बजाते हैं लाइन को तो कुछ ऐसे आएगी, मैंने एंड पोर्शन बजाया, किसी के कंगन ने धा धा सा धा पा मा मा। अब ये जो पोर्शन है पूरा ये हमारा सेम रिपीट हो जाती है, जो ट्यून है इसकी, जो पहले हमने संदेश आते हैं कुछ कुछ इस तरह से बजती है। देख, किसी के कजरे ने किसी के गजरे ने महकती सुबह ने मचलती शामों ने अकेली रातों ने अधूरी बातों ने तरसती बाहों ने और पूछा है तरसी निगाहों ने। ये सेम जो पोर्शन है हमारा जो पहले हमने बजाया, संदेश आते हैं और के घर कब आओगे करके, और के तुम बिन ये घर सूना है, तो इस तरह से हमारी लाइनें बजती रहेंगे। आगे भी इसके बहुत बड़े स्टैंजा है, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसके बाकी जो स्टैंजा है वो मैं अगली दूसरी वीडियोज में बताऊंगा। आप इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि जो वीडियो नेक्स्ट आएगी तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको जल्दी मिलेगा। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।